सभी लोग बड़े शौक से देखते होंगे, लेकिन यार ऐसे में यार काफी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और यार कई बार गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं। इन्हीं यार डिसीजन को रोकने के लिए हमने डिजाइन कर दिया एक सिस्टम जो कि निकल के आता है एलईडी विकेट्स का। अब यार एलईडी विकेट्स क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये चीज कैसे काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्रिकेट को लेकर, तो यार क्रिकेट के अंदर तरह तरह के सिस्टम की बात करता हूँ मैं आपसे, स्निकोमीटर, हॉटस्पॉट, स्पाइडर कैंप, ये तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है इसको यार हम क्रिकेट के अंदर पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं ताकि यार जो हमारी क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी बन सके और यार जो लोग देख रहे हैं जो टेलीकास्ट सिस्टम है यार वो काफ़ी इंप्रूव हो सके और यार जो हम जो भी हमारे क्रिकेट टेलीकास्ट होगा यार टीवी पे वो काफ़ी अच्छा बन सके। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ इस चीज़ की इन्वेंशन को लेके कि यार ये जो एलईडी विकेट से आकर ये कैसे इन्वेंट हुई और किस चीज़ ने, किस इंसान ने इस चीज़ को इन्वेंट किया और दुनिया के सामने लेकर आ गया एक ऐसा कंसेप्ट जो कि यार कॉन्ट्रोवर्सीज को काफ़ी हद तक खत्म कर सकता है। अब यार मैं अगर आपसे बात करूं इस चीज के बारे में तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसके इन्वेंशन को लेके। अब यार इन्वेंशन बेसिकली इसका किया था एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो कि है जिंक इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन द्वारा ग्रांट एकरमैन ने इस चीज को इन्वेंट किया। इन्वेंट करने के बाद यार इसको इंप्लीमेंट कर दिया क्रिकेट की दुनिया में। अब यार इस एक्स सेट की जो कीमत है वो तकरीबन 25 लाख के अराउंड है। अब यार आप यूं सोचेंगे कि यार 25 लाख रुपए ऐसी क्या रॉकेट साइंस लग गई इसके अंदर कि यार इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा आ गई है, लेकिन यार ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ये मिथ नहीं है, कोई ये अफवाह नहीं है, बिल्कुल यही सीन है और ऐसी ही इसकी प्राइस है। तकरीबन एक जो इसका बेल है उसकी एक जो प्राइस है वो तकरीबन आईफोन के बराबर है। इसका मतलब ये कि यार आपकी जो पूरे स्टेम की प्राइस है वो तकरीबन 25 लाख रुपये प्राइस है, लेकिन यार आप ऐसा नॉर्मल यूजर हैरान होते होंगे कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या लग गया, ऐसा क्या इसके अंदर हमने लगा दिया चांद सितारे के भाई इसकी इतनी सारी वैल्यू निकल के आ गई और इतनी ज्यादा प्राइस इसकी निकल के आ गई इसी क्रिकेट की दुनिया में। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ कि यार ये एलईडी विकेट आखिर क्यों हम काम में लेते हैं इसी क्रिकेट के अंदर। अब यार क्रिकेट के अंदर आए दिन आप भी जानते हैं कि काफी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, काफी गलत रिजल्ट दिए जाते हैं एम्पायर की तरफ से, चाहे मैं आपसे बात करता हूँ या स्टंपिंग के केस में, चाहे मैं आपसे बात करता हूँ रन आउट के केस में या फिर क्लीन बॉल के केस में। अब यार ये तीनों केसेस के अंदर यार जो हमारे पास कंट्रोवर्सीज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यार ये बात सही है कि यार हम जो कैमराज हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के यूज़ करते हैं। स्पाइडर कैम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी जूम करके और काफ़ी क्लोजअप में यार वो जो फुटेज है वो रिकॉर्ड करता है, लेकिन यार उसके बावजूद भी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो भी होती हैं। अब यार काफ़ी जगह गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं, जो बैट्समैन आउट नहीं है उसको आउट करार दे दिया जाता है और इस तरीके से जो डिसीजन है वो एम्पायर कभी कहीं ना कहीं ले लेता है। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसी चीज़ के बारे में, इसी कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करने के लिए, तो इस चीज़ को यार इसी चीज़ के लिए बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया है इसी क्रिकेट के अंदर, ताकि यार जो कंट्रोवर्सीज है, जाके जो गलत डिसीजन है वो ना लिए जाए और काफ़ी हद तक उनको जो है वो इम्प्रूव कर लिया जाए इसी एलईडी विकेट की मदद से। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ कि एलईडी विकेट आखिर काम करती कैसे है। अब यार सिस्टम बेसिकली काम किस तरीके से करता है ये तो कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन यार इसके अंदर हमारे पास दो थ्योरीज निकल के आती हैं सामने, जो कि यार पहली थ्योरी ये कहती है कि यार जो हमारे बेसिकली दोनों बेल्स हैं उनके दोनों एंड के ऊपर लगे होते हैं यार रीड स्विचेस। अब यार रीड स्विचेस बेसिकली आप यूँ समझ सकते हैं कि यार कोई सिग्नल को वो रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद में एक्टिवेट होगी और वो जो सिस्टम की लाइट्स हैं उनको जला देगी। अब यार दोनों एंड्स पे आपको मैंने बताया कि रीड स्विचेस लगे हैं। अब यार रीड स्विचेस क्या करते हैं कि जैसे ही बॉलर ने बॉल की, अब यार बॉलर ने जब बॉल की तो बॉल जाएगी टिप करेगी, जब टिप करेगी तो टिप करके जाएगी बैट्समैन के पाथ में, अगर बैट्समैन से छूटी तो वो जाएगी स्टंप के ऊपर और जब स्टंप के ऊपर लगेगी तो यार स्टंप के ऊपर लगेगी, अगर एक बैल हवा में उड़ी तो इसका मतलब ये है कि यार वो जो आउट है वो अभी क्लियर नहीं है। अगर एक बेल हवा में उड़ेगी तो वो जो स्टंप की लाइट है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगी, जब तक दोनों बेल्स हवा में नहीं उड़ेगी तब तक ये मालूम नहीं चल सकेगा जब जो बैट्समैन है वो कंप्लीट आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसी तरीके से यार वो अब क्या करती है, क्या वो जो नीचे स्टंप लगे हैं उनको यार हमने मैग्नेटिकली ऑन ऑफ करने का जो सिस्टम है वो बना रखा है। अब यार होता कुछ यूँ है कि यार आपके जो रीड स्विचेज हैं, जैसे ही बॉल लगी बेल्स हवा में गई, बेल्स जब हवा में जाएंगी इनके ऊपर जो रीड स्विचेज लगे हैं वो दोनों हो जाएंगे एक्टिवेट। अब यार जब दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो एक वायरलेस सिग्नल को नीचे भेजेंगे स्टंप की लाइट्स के अंदर और स्टंप की लाइट्स को भी ऑन करवा देंगे। अब यार यही तो सा पूरा सीन जो कि पहली थ्योरी के अंदर निकल के आता है और इसी तरीके से यार जो स्टंप की लाइट्स हैं वो बेसिकली जल जाती हैं। अब यार बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में। यार दूसरी थ्योरी को इससे ज़्यादा तकरीबन सिमिलर से थ्योरीज है,
अब यार दूसरी थ्योरीज क्या कहती है, दूसरी थ्योरी यार ये कहती है कि इन दोनों जो बेल्स हैं बेसिकली उन दोनों के एंड के ऊपर, दोनों एंड के ऊपर यार लगे होते हैं टैक्टाइल सेंसर्स। अब यार टैक्टाइल सेंसर्स को भी आप यूं ही समझ सकते हैं कि यार कोई वेव्स अगर आएंगी, कोई सिग्नल अगर आएगा तो यार उसको रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद में यार आपका जो सिग्नल है उसको बेसिकली नीचे भेजेगी और जो आपकी लाइट्स हैं उनको ऑन करवा देगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर यार ये होता है कि जो टैक्टाइल सेंसर एंड के ऊपर लगे हैं, दोनों एंड्स के ऊपर जो कि बेल्स के एंड है उनके ऊपर लगे हैं, अब यार वो क्या करेंगे, जैसे ही बॉल को बॉल लगेगी स्टंप के ऊपर, अब यार वो चाहे मैं बात करता हूँ रन आउट के केस में, चाहे मैं बात करता हूँ यार आपसे क्लीन बॉल के केस में या फिर स्टंपिंग के केस में, इन तीनों केसेस के अंदर अगर बॉल जब तक स्टंप को छुएगी, अगर दोनों बेल्स यार हवा में यूं स्प्रेड नहीं होंगी, हवा में यूं उड़ेगी नहीं, तो तब तक यार वो जो आउट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से यार वो जो अब जैसे बॉल लगी स्टंप के ऊपर, बॉलर ने बॉल की, बॉल लगी स्टंप के ऊपर, स्टंप की जो बेसिकली बेल्स हैं वो गई हवा में, अब यार बेल्स गई हवा में तो वो जो टैक्टाइल सेंसर है वो हो गए एक्टिवेट। यार एक्टिवेट होने के बाद में वो जाएंगे यार भेजेंगे एक वायरलेस सिग्नल को जो कि जाएगा नीचे स्टंप के साथ में, और यार स्टंप के साथ में कॉन्टैक्ट में आने के बाद में यार वो क्या करेगा, स्टंप की लाइट्स को भी जला देगा और इजीली यार मालूम चल जाएगा एम्पायर को कि यार ये जो आउट है ये हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर स्टंप की लाइट जली इसका मतलब कन्फर्म है कि यार जो आउट है वो कन्फर्मली हो चुका है, और अगर नहीं जली तो इसका मतलब ये जो डिसीजन है वो कम्प्लीटली गलत है। अब यार यही था कंप्लीट सीन एलईडी विकेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो के बाद को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड।